इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर सो देर कु ब्रॉडली स्पीकिंग हम दो तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर्स को ले सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए किसी भी फर्म के लिए उसमें दो तरह से क्या हो सकता है कि आप हाई लेवरेज रेशो रख सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि आपने जब ये फैसला करना है कि मेरी फर्म के लिए मुझे किस तनासब से एकटी फाइनेंसिंग करनी है किस तनासब से डेट फाइनेंसिंग करनी है तो आप अगर डेट के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हमें अस्सी फीसद या पचास फ़ीसद या सत्तर सत्तर फीसद या साठ फीसद पचास फ़ीसद से ज़्यादा हम डेट लेने वाले हैं ओवरऑल जितना भी पैसा आपको दरकार है किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर करने के लिए और रन करने के लिए तो उसमें अगर आपका डेट फाइनेंसिंग का पोर्शन एक्विटी फाइनेंसिंग से ज़्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में आप हाई लेवरेज रेशो के को फॉलो कर रहे हैं और इसमें हम बोलते हैं इसको टेक्निकली हम बोलेंगे कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इट विल बी टर्म्ड एज एन एग्रेसिव कैपिटल स्ट्रक्चर सो देर बी कंपनीज जो कि डेट ज़्यादा यूज करेंगी एज कंपेयर टू करती हैं एज कम्पेयर टू एक्वी और ऑर्डर टू फंड देयर एक्टिविटीज फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को पे करने के लिए अब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम बोलते हैं कि दीज आर हैविंग द हाई लेवरेज रेशियो एंड दे आर द दे आर फॉलोइंग द एग्रेसिव कैपिटल स्ट्रक्चर नाउ देर कुड बी अन अदर टाइप ऑफ फर्म्स जो कि मोर एक्विटी के ऊपर जाती हैं और लेस डेट फाइनेंसिंग के ऊपर जाती है. तो वहाँ

कौन सी फर्म्स हैं जो कि ज़्यादा प्रॉफिट्स दिखाती हैं या ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाती हैं तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि जो हाई लेवरेज रेशो वाली यानी कि एग्रेसिव कैपिटल स्ट्रक्चर वाली फर्म्स होते हैं वो हायर ग्रोथ रेट्स शो करती हैं एज कंपेयर टू वो फर्म्स जो कि कंजर्वेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं और इसमें जो सबसे एक एलिमेंट है इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो कि इस इनको इसको समझने में इस फ़र्क को समझने में हमें मदद देता है वो ये है कि नेचुरली जब आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी मनी को बोरो करना है आप हायर प्रोपोर्शन से डेट फाइनेंसिंग करते हैं और आपको एग्रेसिव फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वाली फर्म टर्म हो रहे हैं आप तो उसके लिए आपको बहुत विजिलेंट होना पड़ता है एक्टिव होना पड़ता है अपने सारे जो कागज़ और सारे जो आपके जो ऑपरेशन हैं इनको आपने एक्टिवली परसू करना है क्योंकि आप एक अच्छा केस पुट अप करना चाहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सामने ताकि वो आपको डेट फाइनेंसिंग कर सके तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा जदोजहद ज़्याद करते हैं स्ट्रगलिंग मोड में हैं और ज़्यादा एक्टिवली अपने कागजों को बेहतर दिखाने के लिए कि हमारे ये रेशियोज़ बहुत अच्छे हैं हमारे रिटर्न बहुत अच्छे हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हायर है ताकि हमें आसानी के साथ लोन मिल जाए तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की वजह से भी आपकी जो इट हैज बीन ऑब्जर्व के वो फर्म्स जो कि एग्रेसिव कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं यानी कि ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग कम एक्विटी फाइनेंसिंग वाले प्रिंस कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके चलती हैं उनकी ग्रोथ रेट भी हाई होती है एज कम्पेयर टू वो फर्म्स जो कि कन्जर्वेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं नाउ सवाल पैदा होता है व्हाट इज़ द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कि वो कौन सी कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसको फिर हम ऑप्टिमल कह सकते हैं तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए बहुत से पैमाने इस्तेमाल होते हैं उसमें जो एक अहम फैक्टर है दैट इज नोन एज़ द डेट टू एक्विटी रेशियो तो आपने टोटल जो डेट लिया हुआ है उसको आप रखते हैं न्यूमरेटर में और टोटल जो आपकी एक्विटी है उसको आप रखते हैं डिनोमिनेटर में और डेट टू एक्विटी रेशो निकालते हैं सो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल लाइबिलिटीज बाय टोटल एक्विटी एंड यू विल बी एबल टू कम अप विद अ नंबर और वो नंबर आपको अंदाजा करता है कि कोई भी कंपनी का डेट टू एक्विटी रेशो क्या है और वहाँ कॉन्जरवेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर है या एग्रेसिव कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चरिंग हो रही है नाउ इफ़ वी लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज तो हमें देखने को मिलता है कि जो स्मार्ट कंपनीज हैं वो दोनों डेट और एक्विटी को अपने कॉरपोरेट स्ट्रेटजी में उसकी कॉम्बिनेशन लेती हैं वो सिर्फ एक्टी पे या सिर्फ डेट फाइनेंसिंग पे नहीं जाती यू ऑलवेज गो फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एंड देन इन एडिशन टू दैट टू एक्विटी रेशो देर आर अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो दैट आर कंसिडर्ड टू डिसाइड के इज़ गोइंग टू बी द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर अ फर्म तो उसमें एक तो डेट टू तो एक्विटी रेशो को वो कंसिडर करते हैं इसके अलावा वो उस पर्टिकुलर कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्टिकुलर सेक्टर के जो कोई बेंचमार्क मार्क किए हुए कंपनीज है उनकी से और उनकी Uh, जो उनके कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखा हुआ है कैसा बनाया है उसको वो ऑब्जर्व करके अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाद हासिल कर सकें और अपने नुकसान को या कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को या रिस्क को मिनिमाइज कर सके